नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सेल्स के बारे में जो आपको बोनस शेयर देने जा रहा है। दोस्तों याद रहे, दोस्तों हमेशा ध्यान में रहे कि बोनस शेयर के लिए आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको अच्छे शेयर जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो क्वालिटी शेयर है, उसमें इन्वेस्ट करना है। फिर लॉन्ग टर्म में आपको उस शेयर में जब आप बने रहेंगे तो आपको खुद बोनस शेयर मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, स्टॉक स्प्लिट होगा तो उसका बेनिफिट्स मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है आपको इन्वेस्टमेंट के साथ प्राप्त होता है। तो आप जब इन्वेस्ट करते हैं अच्छे शेयर में तो ये सारी चीजें आपको जब इन्वेस्टेड रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए उसमें खुद आपको प्राप्त होता है। आपका नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई होता है स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर से। कभी भी स्टॉक जब न्यूज में हो उसके कारण आपको इन्वेस्ट नहीं करना, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स के कारण जैसे बोनस और स्टॉक स्प्लिट होता है शेयर में काफी तेजी देखने मिलता है। तो इसके लिए आप जो है पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर स्टॉक में लिक्विडिटी है। तो बिना लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में आपको कभी भी पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आज जो हमारा स्टॉक है जो कि आपको बोनस शेयर देने जा रहा है वो स्टॉक है हमारा, इस स्टॉक के बारे में आपको ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखते हैं अबाउट द स्टॉक, मतलब अबाउट दी कंपनी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये जो है छोटा सा माइक्रो कैप स्टॉक है। देखते हैं मार्केट कैप मात्र 24 करोड़ का है, करेंट प्राइस 31 का है और जो यहाँ पर बुक वैल्यू देखते हैं 15 का है। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है, जीरो है और स्टॉक का हाई वैल्यू जो है प्राइस का वो 31 है और स्टॉक का जो लो प्राइस है वो 8.70 रुपीज़। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 6.08% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.2% का नेगेटिव में, तो दोनों नेगेटिव में है, मतलब कंपनी में कुछ भी रिटर्न प्राप्त नहीं हो रहा है शेयर होल्डर को। फेस वैल्यू 10 का है, इंडस्ट्री का पी 27 का है जबकि स्टॉक का पी कुछ भी नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग 67.6% का है, तो प्रमोटर्स होल्डिंग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा है, प्लस परसेंटेज जीरो है। अर्निंग पर शेयर -2.67 रुपीज़ का है, तो अर्निंग पर शेयर निगेटिव में है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर देखते हैं 605% का निगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो -2.12 करोड़ का है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी निगेटिव में है। रिजर्व कंपनी का 4 करोड़ का है, डेट जो है कंपनी का 11 करोड़ का है और इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी का जीरो है। तो कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी कमजोर है क्योंकि डेट जो है कंपनी के ऊपर ज़्यादा है जबकि रिजर्व कम है। कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हो दिख ही नहीं रहा कि बल्कि कंपनी जो है लगातार लॉस में जा रही है। तो ऐसे शेयर से हमेशा आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि ऐसे शेयर आपको कभी भी अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे सकते, बस आपको बोनस जो दे रहा है किस लिए, तो ये जो रिजर्व है कंपनी इस रिजर्व को यूज करना चाहती है। अगर बात करें इसके जो हमारा गंगा फोर्जिंग है इसका एक्स बोनस डेट है आपका 11 जनवरी और बोनस जो दे रहा है वो 3 शेयर पे 1 शेयर आपको फ्री दे रहा है, मतलब 1:3 का बोनस रेशियो, मतलब आपके पास अगर 3 शेयर है तो 1 शेयर मिलेगा, 300 है तो 100 शेयर फ्री मिलेगा, 3000 है तो 1000। लेकिन आपको इस कंपनी से दूर रहना है, इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं इसमें बोनस का फायदा लेना तो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद रहे इसमें जो लिक्विडिटी है बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा कि आपको ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे स्टॉक में जब भी बोनस का न्यूज आए, स्टॉक स्प्लिट का न्यूज आए, डिविडेंड का न्यूज आए, आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करेंगे और जब आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।